क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अल्लाह, ये तो सारा कुछ, जाओ जाके वापस ले आओ उसको कॉन्टेक्ट। तू ले, तेरी वजह से हुआ सब। तेरे पापा को तो बता दे। आ, क्या हो गया घर में मेरे? अब रोने से कुछ नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं समरीन। चुप कर बे कुत्ते। आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ अपनी मम्मी पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये कोई ऐसा वैसा प्रैंक नहीं है। अच्छा, बहुत ही खतरनाक प्रैंक है। तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और एंड तक जरूर देखना, बहुत बहुत मजा आने वाला है आज। तो मेरा प्लान ये है कि अभी मेरी मम्मी डेंटिस्ट के पास जाने वाली है, और जो डेंटिस्ट ना वो मेरे घर के इतना पास है कि समझ लो आप सिर्फ और सिर्फ उनको आधा घंटा लगेगा, और उनको ज्यादा काम भी नहीं है वहाँ पे, कुछ दांतों में कुछ छोटी चीज करवानी है। और इन सब चीजों के लिए मुझे किसी ना किसी का साथ चाहिए होगा, और वो साथ देगी मेरी अपनी बहन। लेकिन वो अभी मेरी मम्मी के बाहर जाने से पहले ही खुद चली जाएगी, और वो कहीं जाएगी नहीं, सिर्फ यहाँ झूठ बोलकर जाएगी। उसको कहीं जाना है लेकिन वो रहेगी ऊपर, मतलब छत पे। और अगर मेरी प्लानिंग में थोड़ी सी चूक हुई तो ये प्रैंक वही फेल हो जाएगा। बस यार, अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और कहानी नहीं सुनाती हूँ। अब जो वो आपकी नजरों के सामने होने वाला है, बस देख लो। बेटी आएगी तो गेट खोलना, अपना आदमी देख लेना यहाँ से। हाँ, जब उसके बाद खोलना। ओके। गाइस, मेरी मम्मी जा चुकी है, ये। और अब हम प्रैंक के बिल्कुल तैयार है। तो चलो यार, मैं सबसे पहले अपनी बहन को ऊपर से बुलाती हूँ ताकि वो मेरी चोरी करने में हेल्प करे। गाइस, लगता है आ गई। चलो मैं लेकर आती हूँ उसको। मैं अपनी पार्टनर को लेकर आ गई हूँ, और अब फाइनली यार मेरे पास कोई है जो मेरी हेल्प कर पाएगा, वरना मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं पाती। चलो तो फिर अभी सबसे पहले कैमरा सेट कर लो सारे रूम में। और यहाँ मैं निकल गई घर की सारी कीमती चीज इकट्ठा करने। मैंने बैग्स, ज्वेलरी, कार्ड्स, पैसे सब रख लिया। सोच रही हूँ ये फ्रिज भी अपने बैग में उठाकर रख लेती हूँ, पूरे घर की चोरी करनी है ना। चलो इसको भी ले लेते। वैसे गाइस, मैंने मोटी मोटी जितनी भी चीजें कीमती लग रही थी मुझे वो सब रख लिया, लेकिन लैपटॉप रह गया। मुझे अपने घर की चोरी करने में बहुत मजा आया, और मैंने अच्छे से कर भी लिया। अब इसको मैं छुपाऊं किधर? और इसको मैं छुपाने वाली हूँ अपने भाई के रूम के वॉशरूम में, क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता है। सारा कुछ हो गया, मुझे बस गेट पे बैठकर रोना है और बाहर का मेन गेट ओपन कर देना है, ताकि जब भी हम आए तो गेट खुला देखकर शॉक हो जाए और कहे कि हुआ क्या है, मतलब कभी से कहानी शुरू हो जाएगी। मजा तो बहुत आने वाला है यार, लेकिन मुझे अंदर से डर भी लग रहा है कि अम्मी पता नहीं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट ना कर दे, और पता नहीं कुछ ज्यादा ही टेंशन ना ले ले। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। चलो मैं अपनी एक्टिंग में रहती हूं। क्यों खोले हुई हो गेट? गेट क्यों खोले हुई हो? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अकेले थी इसीलिए रो रही हो, क्या हुआ? बस करो ना। अरे बता दो, मेरा दिमाग ये हो रहा है कि क्या हुआ इसको। अम्मी कोई घर में आ गया था और सारा सामान चुरा के ले गया। कैसे चुरा के ले गया? पता तुम कहाँ थी? बोल के कहते ना, जब स्वीटी पापा आया होगा, किसी कोई भी आएगा तब गेट खोलने के लिए। क्यों गेट खोली थी? क्या सब ले गया, क्या दिखा? देखो मेरे दाल में भी थप्पड़ मार के चला गया। अल्लाह, कितना बच्चा को ये किया तू। पापा पर गुस्सा और देना, पापा को बोले थे कि थोड़ा सा आधा घंटा रह जाइए, तब जाइएगा, नहीं समझते हैं वो। देखो एक बार भी निकल, देखो भी निकलना जरूरी है सबको घर से, समझे? अल्लाह, ये तो सारा कुछ, ये भगवान क्या जुलूम है। डायमंड का ब्रेसलेट भी लेकर सारा कुछ, कुछ भी नहीं बचा। बहुत मार रहा था, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इसीलिए बोलते थे आम की कोई मत घर से जा, कोई मत घर से जा, सब का सब घर से एक बार निकलेंगे, दोनों भाई बहन एक ही बार जाएंगे, बाहर जाएंगे तो इसी बच्ची को छोड़कर अकेले। सारा कुछ से ले गया मेरा। अब जा, चला गया सारा कुछ, पूरा सारा कुछ, जेवर और पैसा सारा चीज तो चला ही गया। तो हम लोग तो कंगाल हो गए, कुछ बचा है घर में बताओ? नहीं। तुमको समझा के गए थे ना कि गेट नहीं खुलना? तो घर में तो इतना सारा खाने का था, मंगवाई क्यों तुम खाना? वो अंदर आया अभी पानी पीने के बहाने अंदर आ गया। यही चीज तो होता है पानी पीने, तुम लोग इतना तो रोज समझाते हैं समरीन, कहाँ दिमाग चला गया, रोज समझाते हैं यही सब चीज मार के। भैया अल्लाह का शुक्र है कि बच गई। समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया बता, सारा कुछ है ये, इतने दिन का इकट्ठा किया हुआ सामान ये इस तरफ सारा मेरा चला गया। आठ देर से आती यार, सारा चीज लुटवा देती। और देखो ये हालत घर का, ये दुख का खत्म होता है। क्या हुआ देखो, बोले तो अपन की खोपड़ी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है, चोरी करवा के रखी ये सारा कुछ, कुछ नहीं है उसमें भी, कुछ नहीं है सारा पैसा वैसा, सारा बैग वैग में जो भी पैसा था सब खत्म हो गया। और मेरा? यही नहीं, अभी और सुनिए। सब मेरा तेरा सब खत्म। तुम लोग को ना एक ही दिन में सब जगह जाना होता है। मेरी तो पहले से बात थी कि आज के दिन जाना है। बात थी तो इसको अकेले छोड़ के नहीं जाना था, मेरा भी डॉक्टर का आ गया आज ही। देखो क्या पता यार, मेरी थोड़ी गलती है।
थोड़ा थोड़ा सा लापरवाही होता है सपनीन। क्या तुम क्या ऐसे मेरे पे वो कर रही हो? बच्ची हो क्या अभी तक? छोटी बच्ची हो क्या? डिलीवरी वाला आया था तो अब तुम ये बताओ ना कि ये कब सीखेगी? कब सीख रही है? यही तो करी आज देख लो, ये इसी वजह से तुम लोग को बोलते हैं कि इसके पास छोड़ा नहीं करो। मैंने कुछ बताई नहीं अब तो। मेरी क्या गलती यार, बैग में तो डॉक्यूमेंट था यार। सब ले गया यार, बैग वैग सब ले गया, थप्पड़ भी मार के गया। उसमें मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट था यार, सब कुछ ले गया है। तुम क्यों नहीं समझ रही? एक बार चेक कर लो, और रूम में भी लेकर गया है। और लैपटॉप सब ले गया। ये क्या बात करता है यार? आप काम करती रहो, बड़ा यूट्यूब का चक्कर ये था ना, पढ़ो बैठ कर। सारा कुछ सत्यानाश हो गया मेरे घर का, इतने दिनों का मेहनत ना सब बेकार हो गया। तुम क्या हो यार, एक खाने के चक्कर में यही होता है। खाने के चक्कर से नहीं हुआ यार, वो कोई आदमी था। हजार बार बोलते हैं कि कोई स्विगी वाला है या कुछ है, वो जंजीर वाला जो होता है वो लगा के तब लिया करो, फिर लगाए रहा करो। समझा के हम पागल हो गए, मगर तुम लोग की बात समझ में नहीं आती है। अब लो, अब पापा को फोन हम करते हैं, पापा को तो बता दे। पापा करेंगे ना कॉल। हाँ आइए ना घर पे आप पहले। अरे कुछ नहीं, घर पे आइए। खत्म हो गया भैया मैटर, बाहर में नहीं बताने का ना, घर पर अब आएंगे जब। प्लानिंग तो नहीं है, किसी को दे तो नहीं दिए ये सारा, और चोरी। आग लगा दी। ये क्यों दे देगी यार? तुम कितनी पागल हो क्या? कैसी गंदी बात कर रही हो? अम्मी ये कैसी बात करी? मेरा कहीं सामान चोरी हुआ क्या? किसको दिया जो तुम घर के बता रही हो? ये पहले सुनो मेरी बात, क्योंकि अम्मी देखो किसी कोई भी अगर किडनैपर आएगा तो किडनैपर नहीं कोई भी चोरी करेगा ना, तो और भी सामान उठा के लेके जाएगा, जैसे ये कंप्यूटर भी उठा के ले रहा था। इतना बड़ा नहीं उठाकर उसके पास वो था टाइम, वो एक इंसान था सारा कुछ लेकर चला गया। कौन होगा मेरे साथ जो लेकर जाएगा मेरा सामान? नहीं ये इसकी हिम्मत नहीं है ये सब चीज करने की। कितनी बड़ी झूठी हो यार, कितनी बड़ी झूठी हो, ये सब मत करो अभी। भाई अभी तुम यकीन करो या नहीं करो, पता परसों ना फोन कॉल पर किससे रात ना झूठ बोलती हो यार। इसको लग रहा था सो गई है ये, पर ये ऐसा कॉल पर ये बात बोल रही थी। अरे नहीं हमको अम्मी यार इसके बाद तुम मत करो, चुप। हमको यकीन नहीं है, ये इस तरह कर ही नहीं सकती है। मेरा सामान सारा गया यार, मेरे को कैसे तुम ऐसे दिखा सकती हो? तुम लोग हमेशा ना अकल खोलो ना, अब अकल खोलो, देखो क्या हुआ। तुम भी कहती थी अरे कुछ नहीं होता अम्मी, अम्मी मिमसी मकासा को भी ले जा रहा था। क्या बोला तूने? मिमसी कहाँ है? मिमसी तो यही छुपी हुई थी, छुप के होगी। सोफे के नीचे। भाई अम्मी तुम मानो या नहीं मानो, तुम्हारी बेटी किसी लड़के को सारा जेवर देगा। अरे कोई नहीं है इसका, तुम मानो। जब बाद में पता चलेगा ना पुलिस को, पहले फोन कर दो। नहीं आ रही आने तो पापा करेंगे पुलिस को फोन, तुमको जरूरत नहीं करने का, पापा खुद सर सर बताते अभी भी टाइम है। एक लापरवाही से देखो घर की बर्बादी कैसे होती है। मेरे से भी पूछ रहा था वो हर चीज की, कहाँ पे रखा है कहाँ पे रखा है, जब कुछ निकाल कर बच्चा समझ के वो कर रहा था। और क्या ऊपर यार, आजकल तो दिन जमाना इतना खराब है कि कुछ भी करके चला जाता है। चलो सामान पर गया हमको लेकिन बहुत ज्यादा, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। सही में लाल कितना अच्छा मारा, मारते ही अच्छी बात है, और दो तीन मार गिराता ऐसे इंसान। इतना सामान बर्बाद हो गया, बताओ कहाँ से आएगा इतना सामान? बताओ बताओ ना, इतनी बड़ी गधी हो गई है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं आता इसको। अरे यूट्यूब कहाँ से बनाओगी, जियो सब कहाँ से बनाओगी? अब लैपटॉप ही तो ले गया, दोनों लैपटॉप ले गया, सारा लैपटॉप ले गया, पापा के बैग से लैपटॉप निकाल कर ले गया, पापा का भी। वाह, और टैब भी ले गया। भाई अब हम लोग कंगाल हो चुके हैं, हम लोग रोड पे रहेंगे। तू सब तुम दोनों बहन की लापरवाही से हुआ, बाकी और कुछ नहीं हुआ। मेरे को मत बोलो, मेरे को दिमाग खराब तो मेरा हो रहा है कि सर फटा जा रहा है कि ये इतना दिन का हम लोग का ये। सच सच बता दे, किसी को दे कर आइए ना, सच बता, क्योंकि तुम कैसी बात कर रही थी? उन्हें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि झूठी किससे बात कर रही थी तू? किसी से कि हाँ काम हो जाएगा? दिमाग खराब कर रही हो अम्मी के सामने मेरा, वो मत करो। एक तो मेरा भी सामान गया ना वो लेकर, तेरा को क्या तू क्या फिर उस चीज का अपमान तो मेरा गया ना, तुम्हारा नहीं था कुछ भी, सबका था। मेरा भी था ब्रेसलेट और चेन और कान का भी, और अम्मी का पूरा कड़ा था, झुमका था, सब था। हाँ तो गया, तो जाओ जाके वापस ले आओ उसको कॉन्टेक्ट। तू ले, तेरी वजह से हुआ सब। चलो लड़ाई करने लड़ाई करने से लगे, तुम इतने हल्के में कैसे ले सकती? हल्के की बात नहीं है कि मेरा शुक्र अल्लाह का करे कि चलो इसको कुछ नहीं हुआ। आजकल तो जानती हो ना कि कैसे क्या हो जाता है। अब उसको एक बार पता चल गया है ना, अब वो बार बार आएगा। अब तुम अकेली भी रहोगी ना तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। पता नहीं हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया घर में मेरे। अब रोने से कुछ नहीं होगा, इतना दिन का सारा चीज सारा एक लापरवाही की वजह से सारा कुछ बर्बाद हो गया।
रोने से होगा ही नहीं कुछ, ये तो अब आगे जाके भी यही होगा। तुम लोग की लापरवाही से हुआ ना ये। हम लोग की लापरवाही से क्या, तुम्हारी बेटी करवाई है ना ये तो। टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है कि क्या हो गया अचानक आज, न जाते हम बेकार ही गए थे दांत वाला डॉक्टर के यहाँ। अम्मी ये लो, ये दे कर गया। ये क्या है, ये तो मेरा बैग है। प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया। प्रैंक ऐसी तरह प्रैंक किया जाता है, आदमी को तो हार्ट फेल करवा दोगी तुम। गाइस ये प्रैंक बहुत ही इमोशनल हो गया था एंड एंड तक, और अम्मी की जब और अम्मी जब रोने लगी ना तब मुझसे नहीं देखा गया यार, तब मैंने सोचा कि अब इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। मैंने सोचा कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए और मेरे प्रैंक के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। तुम दोनों बहन को इस तरह का नाटक मत किया करो। देखो इसे, देखो मेरे सर में दर्द, ये लग रहा है कि एकदम फटा जा रहा है। इस तरह का कभी चैलेंज नहीं करना, ये सब चीज मत किया करो, मेरे से नहीं होता है ये सब। ओके ओके अब से नहीं, ओके कर रही हो हमेशा तुम मेरे साथ प्रैंक ही करती हो। क्योंकि और कोई भूल जाते हैं कि जो प्रैंक अगर दिमाग में रहता ना कि तुम, क्योंकि पता है अंदर से तुमको दिखा नहीं रहे थे, तो बस यही पे खत्म होता है मेरा प्रैंक। और अगर आपको प्रैंक अच्छा लगा तो मेरे को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और आप मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो। आपको ऐसे में देख रही होगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।